चमत्कारी आदमी है, नाम कोई गुरु है। मारी कथा सात दिन भागे ये बोलना बंद कर दें। मारी कथा सात दिन तक की ही थी, दो दिन का दिव्य दरबार लगाया तब वो क्यों नहीं आया। तो इतनों को तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान। मोदी सरकार में अब भगवा चोला ओढ़कर नफरत फैलाने वाले बाबाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि नफरती बाज बाबाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने निगाहें गड़ा ली हैं। जी हाँ दोस्तों, बार बार नफरत की खाई को गहरा करने वाले बाबाओं की अब फजीहत जो है वो देश ही नहीं सात समंदर पार विदेशों में भी हो रही है। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथा छोड़कर भाग गया था, अब उसी बाबा पर शिकंजा कस गया है। ये वही बाबा है जो एक विशेष कौम को हमेशा टारगेट कर देश में नफरत फैलाने का काम करता है। लेकिन अब बाबा की पूरी कुंडली सबके सामने आ चुकी है, क्या कुछ हुआ है विस्तार से बताते हैं आपको। लेकिन दोस्तों एक अपील है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जब चैलेंज मिला तो वो कथा से भाग खड़े हुए और अब खुद को बड़ा संत बताने वाले की भाषा को सुनिए और देखिए क्या हालत है बाबा की। जी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, नाम कोई चमत्कारी आदमी है, नाम कोई गुरु है। तो दोस्तों सुना आपने, ये तो वही हाल हो गया कि किसी आई बिल्ली खम्बा नोचे। अब बाबा की और क्या असलियत है वो भी आपको बताते हैं। एक खबर के मुताबिक दोस्तों, हालिया विवाद धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने के आरोप से जुड़ा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक श्री राम चरित्र चर्चा आयोजित की गई थी। ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन कार्यक्रम दो दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही संपन्न हो गया। ऐसा कहा गया कि महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से दी गई चुनौती के कारण धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम से भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति ने चुनौती दी थी कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री वाकई सबके बारे में बिना बताए जानते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए, अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम इसमें कथा छोड़कर भागे बोलना बंद कर दें। हमारी कथा सात दिन तक की ही थी क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। ये तो खबर हो गई, अब आगे की जानकारी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बाबा ने विवादित बयान दिया था। अप्रैल 2022 में एक धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करते देखे गए थे। क्या कहा आप भी सुनिए। नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। सब हिंदू एक हो जाओ और फर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। राम के काज पे सूतों पर ये हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो दोस्तों सुना आपने, ये वही बाबा है जो देश को बांटने का काम करते हैं, लेकिन अब इनकी भाषा शैली सब कुछ बदल चुकी है। ऐसे लोगों को संत किसने बनाया है, अब लोग यही सवाल भी पूछ रहे हैं। पत्रकार शोभना यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अगर पोल नहीं खुली तो नागपुर से राम कथा छोड़कर क्यों भागे। शिकायतकर्ता भी कह रहे हैं, ढोंगी पाखंडी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं बाबा। एक और पत्रकार आफरीन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं 7 दिन तक वहां झंडा गाड़ कर बैठा, तब क्या उनका बाप मर गया था, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन ली थी। ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बोल। इस बाबा पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा है और इस वजह से बाबा छूमंतर हो गए थे। वही एक अन्य यूजर ने ट्वीट में लिखा है, ये तो सीधे भगवान से बात कर सभी की समस्याओं को हल करते थे, तो भगवान से कहकर 15-15 लाख गरीबों के खाते में डलवा दे, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा दे, स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री करवा दे, देखना कहीं सेकंड आसा राम ना निकल जाए। वहीं एक यूजर ने बाबा को कड़ा संदेश देते हुए लिखा है कि अधर्म विरोधी क्या होता है, क्या भक्तों से भी बड़ा कोई धर्म विरोधी है,
और ऐसे धर्म कर्म की बातें संत महात्माओं के मुंह से शोभा नहीं देती। अब पूरा सच आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे बाबाओं को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारी कथा 7 दिन भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया तब वो क्यों नहीं आया? तो इतने को तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी।